हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीमी गार्डन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा घर पर बहुत ही आसानी से आप कैसे बॉन्साई सॉइल बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम गर्वेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें नॉर्मल सैंड चाहिए। नॉर्मल सैंड को ही हम छान कर गर्वेल्स को अलग कर लेंगे। ये अलग से भी आपको ख़रीदने को मिलेगा, लेकिन हम घर पर ही बहुत आसानी से इसे अलग कर सकते हैं। ये देखिए, जो छोटे छोटे कंकड़ टाइप्स हैं ना, इसे ही गर्वेल कहते हैं। इसको हम रख लेंगे और जो बड़ा बड़ा है, बड़ा पत्थर टाइप का है, उसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए, गर्वेल्स तो हमें बहुत सारे मिल गए। तो चलिए इसका जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना सैंड छानने के बाद मुझे गर्वेल्स मिला। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। तो ऐसे हम सारे गर्वेल्स को अच्छी तरह से धो लेंगे। धुल जाने के बाद इसको अलग कर लेंगे और इसके बाद अच्छी तरह से धूप में सुखा भी लेंगे। अब हम ब्रिक चिप्स बना लेंगे। इसके लिए हमें इतना साइज का ईट यानी ब्रिक्स का टुकड़ा चाहिए और एक बड़ा। इस बड़े टुकड़े से हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये लीजिए, ब्रिक चिप्स पूरा तैयार। इसको हम अलग कर लेंगे, यानी कि अलग कंटेनर में डाल लेंगे। अगर कोई टुकड़ा बड़ा रह जाता है तो इसको छोटा कर लेना। चलिए अब दिखाता हूँ कि बॉन्साई सॉइल में किस किस चीज़ों से बनाता हूँ। ये पहले वाला है कंपोस्ट, ये है काउडंग कंपोस्ट। ये तो है ब्रिक चिप्स, ये तो आपने देखा कैसे बनाया मैंने। ये है गर्वेल्स, ये भी आपने देखा। ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल। ये मात्रा में आपको दो दो चाहिए, ये सारे एक एक करके, और ये दो। और ये है सैंड, नॉर्मल सैंड, रिवर सैंड। तो चलिए अब सभी को मिक्स्ड कर लेते हैं और परफेक्ट बॉन्साई सॉइल बनाते हैं। इसके लिए पहले ब्रिक चिप्स डालते हैं। आप जो भी चाहे आगे पीछे डाल सकते हैं, इसको प्रॉपर मिक्स करने से मतलब है। ये नहीं कि पहले ब्रिक चिप्स ही डालना है, उसके बाद सैंड ही डालना है। मैंने कंपोस्ट भी डाल दिया, गर्वेल्स, गार्डन सॉइल, ये तो एक डाल दिया, एक पूरा था। इसके बाद हाँ, और एक डलेगा, ये मैंने आपको बताया था कि दो। तो
चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये तैयार हो गया हमारा बॉन्साई सॉइल।